हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट आवर थर्ड चैप्टर. दिस इज चैप्टर थर्ड, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बाय तिशानी दोसी. देखिए, फर्स्ट है बिफोर यू रीड, दिस चैप्टर इज अबाउट द अंटार्कटिका ओशन, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के बारे में है ये चैप्टर. कि जो ऑथर जो है उसकी एक बार वो अपनी जर्नी वहाँ की करता है, ठीक है. वो एक एक्सपीडिशन पे जाता है रशियन रिसर्च के साथ, जो रिसर्च वेसल था उनके साथ. तो देखो बिफोर यू रीड में क्या लिखा हुआ है. इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट द प्लेनेट्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, द एंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो टू बॉर्न वगैरह. कि बता है कि भाई अगर आपको किसी प्लेनेट यानी कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जानना है तो अंटार्कटिका वो है बेस्ट प्लेस है, वहाँ पर जाइए, उसके बारे में जानिए. यानी कि हम नॉर्मल क्या कह सकते हैं, नॉर्मल लाइफ के लिए, कि भाई अगर आपको किसी भी चीज़ की डीप नॉलेज अगर चाहिए हैं तो उस डीप नॉलेज आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, बाय डूइंग दैट वर्क योरसेल्फ. आप कोई भी काम अपने आप से करेंगे, ठीक है, या उस चीज़ की आप प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे ना, जैसे डूइंग बाय लर्निंग होती है, तभी आप उस चीज़ के बारे में आप अच्छे से जान पाते हैं. तो देखिए, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. क्या है चैप्टर के बारे में. अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अब्रॉड. यहाँ पर कौन बात कर रहा है, द राइटर इज़ टॉकिंग अबाउट हिज एक्सपीडिशन टू द अंटार्कटिका. दैट ए रशियन रिसर्च वेसल द एकेडमिक शोकाल स्काई हेडिंग टूवर्ड्स द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट विंडियस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड अंटार्कटिका. कि भी जो लास्ट ईयर उसने जो अपनी जर्नी थी उसकी, वो कहाँ की उसने, अंटार्कटिका की. अंटार्कटिका वो जो कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में वो कैसा है, सबसे कोल्डेस्ट, सबसे ड्राइएस्ट और सबसे विंडियस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड है, ठीक है. एंड वो किसके साथ गया था, रशियन रिसर्च वेसल के साथ, जो कि किस नाम से जाना जाता है, एकेडमिक शोकाल स्की के नाम से जाना जाता है. माई जर्नी बिगैन 13.09 डिग्री नॉर्थ टू द इक्वेटर इन मद्रास. क्या कहता है कि द ऑथर इज़ द इंडियन ऑथर है, तो उसकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, मद्रास से स्टार्ट होती है, फ्रॉम द नॉर्थ इक्वेटर, ठीक है. ये उसकी लोकेशन है जहाँ से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वहाँ की. एंड इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, और उसकी जर्नी में ही क्रॉस्ड 9 जोन्स उसने क्रॉस किए हैं, 6 चेक पॉइंट्स क्रॉस किए, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, यानी कि 3 वाटर बॉडीज, यानी कि वे कैन से कि 3 उसने ओशियंस क्रॉस किए हैं, एंड एटलीस्ट एज मैनी इकोस्पियर्स, और बहुत सारे इकोस्पियर्स उसने क्रॉस किए. By the time I actually set foot on the Antarctica continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship. So my first emotion on facing Antarctica's expensive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief, followed up with an immediate and profound wonder. देखिए क्या कहते हैं इन लाइन्स में, कि दैट बाय द टाइम एक्चुअली सेट फुट ऑन द एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट आई हैड बीन ट्रेवलिंग ओवर 100 आवर्स. मीन्स कि इट टुक हिम 100 आवर्स टू रीच एट द एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट. एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट पहुंचने में उसे लगभग 100 आवर्स लग जाते हैं. एंड दिस जर्नी ही कंप्लीटेड बाय कार, एरोप्लेन और शिप के द्वारा. ठीक है, सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिका एक्सपेंसिव. सो व्हेन ही रीच्ड एट द अंटार्कटिका ओशियन एंड कॉन्टिनेंट, तो उसका जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था, जो फर्स्ट इमोशन था, वो क्या था, दैट एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप. मीन्स कि एज फार एज ही कुड सी ओनली द वाइट लैंड एरिया. जितनी दूर तक उसकी आँखें देख सकती थी, तो उसे क्या दिखाई देता है, सिर्फ वाइट एरिया दिखाई देता है. मीन्स इट वॉज टोटली कवर्ड विद द आइस. एंड अनइंटरप्टेड ब्लू होरिजन वॉज रिलीफ. एंड जो एक ब्लू होरिजन था, ठीक है, दैट वॉज ए
रिलीफ, वो उसको थोड़ा सा राहत की सांस दे रहा था। फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, कि मीन्स कि उसको देखकर तभी जल्दी वो क्या हो जाता है, एक वंडर मीन्स एक हैरानी बहुत ज़्यादा, एंड प्रोफाउंड मीन्स होता है बहुत ज़्यादा, वो हैरान होता है इसकी ब्यूटी को देखकर। वंडर एट्स इमेंसिटी, और वो किस चीज़ पर हैरान होता है, उसकी इमेंसिटी यानी कि उसकी जो इतना बड़ा एरिया है उसकी लार्जनेस को देखकर। इट्स आइसोलेशन, आइसोलेशन मीन्स कट ऑफ, बट मेनली एट हाउ देर कुड एवर बी हैव बीन ए टाइम व्हेन इंडिया एंड एंटार्क्टिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। भी उस चीज़ पर भी वो हैरान होता है कि कभी इंडिया और एंटार्क्टिका दोनों सेम लैंड मास यानी कि एक ही जमीन से दोनों बिल्कुल जुड़े हुए थे, कभी एक टाइम होता था। तो ये सब सोच कर वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। फिर आगे क्या कहते हैं, हम पार्ट ऑफ हिस्ट्री 650 मिलियन ईयर्स अगो ए जाइंट एमाग्लेमेटेड साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना इंडीड एग्जिस्ट सेंटर्ड रफली राउंड द प्रेजेंट डे एंटार्क्टिका। देखिए क्या कह रहा है इस लाइन में, कि पार्ट ऑफ हिस्ट्री बता रहा है यानी कि इसकी जो एंटार्क्टिका उसकी हिस्ट्री के बारे में वो यहाँ पर बात कर रहा है, कि दैट बिफोर 650 मिलियन ईयर्स पहले एक जाइंट मीन्स होता है बहुत बड़ा, और एमाग्लेमेटेड मीन्स होता है कि टू ज्वाइन साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना, कि एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट होता था दैट वॉज गोंडवाना, जिस जो कि इंडिया और अंटार्कटिका को जोड़ने का काम करता था। डिड इंडीड एग्जिस्ट, जो कि वास्तव में एग्जिस्ट करता था इस अर्थ पर, सेंट्रल रफली राउंड द प्रेजेंट डे, ठीक है, अंटार्कटिका आज वो किस चीज़ का पार्ट बन चुका है, अंटार्कटिका का लगभग सेंटर पार्ट बन चुका है। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट दैन उस टाइम पर, मीन्स जब गोंडवाना होता था उस टाइम पर जो चीज़ें थी वो अलग थी। ह्यूमंस हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, कि मीन्स उस टाइम पर ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, काफ़ी वार्म होता था, होस्टिंग ए ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। ये फ्लोरा एंड फ्यूना क्या है, दो वेजेस की वेराइटी हैं, ये दोनों बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती थी। 500 मिलियन ईयर्स ऑफ गोंडवाना थ्राइव्ड, बट अराउंड टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट एंड द एज ऑफ द मैमल्स गोट अंडरवे, कि भी ये जो बात है वो लगभग 500 मिलियन ईयर्स पहले की बात है, कि जब गोंडवाना ख़त्म हो गया। कब ख़त्म हुआ, कि जब जो डायनासोर्स थे वो भी वाइप आउट मीन्स ख़त्म हो चुके थे, डायनासोर्स भी हमारी अर्थ पे से, और जो मैमल्स थे यानी कि जो इन ह्यूमन बींग्स थे वो इस धरती पर बनने स्टार्ट हो गए। बनने क्या मीन्स मनुष्य का जो प्रभाव था वो बढ़ना स्टार्ट हो गया था। लैंडमास वॉज फोर्स टू सेपरेट इन टू कंट्रीज, और लैंडमास यानी कि जो भाई अब क्या हो गया था, धीरे धीरे लोग अलग अलग कंट्रीज़ में सेपरेट होना स्टार्ट हो गए। पहले क्या था, सारा अर्थ जो थी अलग अलग एक कंट्रीज़ नहीं, अलग अलग कंट्रीज़ नहीं थी, सब एक साथ थे, फिर धीरे धीरे वो कंट्रीज़ बनना स्टार्ट हो गई। शेपिंग द ग्लोब एच मज एज वी नो इट टुडे, और इस तरीके से उसने एक ग्लोब का रूप ले लिया, मीन्स धीरे धीरे जो कंट्रीज़ बनती गई वो आज का जो हमारा ग्लोब का मीन्स जो हमारा मैप है पूरे वर्ल्ड का उसने अपना रूप ले लिया था। सॉरी, टू विजिट एंटार्क्टिका नाउ इज टू बी ए पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। अब एंटार्क्टिका में विजिट करना, एंटार्क्टिका विजिट करना इज क्या है, टू बी दैट ही वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, कि वो हिस्ट्री को एक बार फिर से उसका पार्ट बनना चाहता है। टू गेट ए ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम, ही वॉन्टेड टू नो, कि दैट उनका जो होरिजन है वो उसके बारे में जानना चाहता है कि वो कहाँ से आए हैं। वेयर वी कुड पॉसिबली बाई बी हैडिंग, और बी हैडिंग का मीन्स कि इन फ्यूचर वेयर दे विल बी, कहाँ पर उनको जाना है इन फ्यूचर वो जानना चाहता है। इट इज़ टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलियन फॉल्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, ओजोन एंड कार्बन इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन,
सॉरी हियर इज़ द ऑथर इज सेइंग दैट इफ़ ही इफ़ एनीबडी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कोर्डिलियन फॉल्स मीन्स कोर्डिलियन क्या होता है कि द एक्सटेंशन जो माउंटेन एरिया जो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है उसके बारे में अगर कोई जानना चाहता है एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स का मतलब ये है कि माउंटेन्स की जो रेंज धीरे धीरे कम होती जा रही है उसके बारे में जानना चाहता है एंड ओजोन एंड कार्बन का इवोल्यूशन या एक्सटेंशन के बारे में जानना चाहता है सो द बेस्ट क्या होगा उसके लिए टू गो टू एंटार्क्टिका. When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind-boggling. Mind-boggling means कि mind दिमाग को हिला देने वाली बात होगी क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ क्या हो गया million of years में ही हो गया है तो ये काफ़ी mind को हिलाने वाली बात है. Imagine, सोचो इंडिया पुशिंग northwards, jamming against Asia to buckle its crust and from the Himalayas, South America drifting off to join North America, opening up the Drake Passage to create a cold circumpolar current, keeping Antarctica frigid, desolate and the bottom of the world. यहाँ पर राइटर क्या कह रहा है कि भाई वो कुछ सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि उस क्रिएट कर रहा है कि इस सिचुएशन के बारे में सोच के देखो कि अगर ऐसा हो कि भाई कीपिंग अंटार्कटिका फ्रीजिड मीन्स क्या होता है जमा देने वाला. ठीक है कि भी इंडिया पुशिंग नॉर्थवार्ड्स जैमिंग अगेंस्ट एशिया कि इंडिया को कहाँ पुश कहाँ कर रहे हो नॉर्थवार्ड्स की तरफ पुश करें जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फ्रॉम द हिमालयाज कि भी एशिया का जो बक्कल इट्स क्रस्ट का मतलब कि एशिया जो हिमालयाज हैं जो हमारा वो क्या है जो हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है उसको हम क्रस्ट कर दें यानी कि क्रस्ट करके उसको क्रस्ट क्या होता है पीसना. साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कहाँ ड्रिफ्ट ऑफ हो जाए नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन कर ले. ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज और मीन्स कि ड्रेक पैसेज का जो रास्ता है वो खुल जाए टू क्रिएट ए कोल्ड सरकम पोलर करंट कि भाई ड्रेक पैसेज का रास्ता अगर ऐसा होगा तो क्या होगा ड्रेक पैसेज का रास्ता खुल जाएगा और एक सरकम पोलर यानी कि एक ठंडा एरिया पोलर जो अभी तक एंटार्क्टिका है वैसे ही सारे एरियाज हो जाएंगे. सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर. Till then, do your work seriously and stay home, stay safe and stay learning.